लोहारी गेट वाली साइड, ये यहाँ से जब आप आएंगे ना तो ये लोहारी गेट वाली साइड है। और ये हाफिज जी चलने वाला, अगर आपने पूरा मेरा एक व्लॉग नहीं देखा तो रात के 12 बजे रमजान में इस चौक पे जो एक्टिविटीज थी वो इनसेन थी, अलग किस्म की एक्टिविटीज थी। आपको नाम इसका इसकी जोड़ नहीं है हमारा। अगर मैं आपको टेंडरनेस सिर्फ ऐसे हाथ लगा के दिखाऊं, ये देखें आप हाथ लगा रहे हैं और बॉडी टूट रही है। ये अब साथ मगज लगा लिया और ये हैवी सी बुर्की बना लिया आपके भाई ने, ये देखें जो खमीरी रोटी है उसकी खूबसूरती, ये लाल रोटी आ गई, ये इसका शोर। भाजी नाम तो चला मेरे दादा, क्योंकि मेरे दादा वहाँ से माइग्रेट होके आए थे देरी से। अच्छा, ये इसमें से ही पका के निकालते हैं, इसमें और भी मजीद ये पड़ी हुई हैं बोंगे, ये आती हैं, ये देखें ये भी बोंग है, ये बोंग इसी तरह निकालते हैं, ये निकालते जाते हैं और गाग को देते जाते हैं। और ये आपका भाई खा रहे अल्टीमेट बड़ी सी बुर्की बिस्मिल्लाह, ये आ गया जी बोन मैरो जिसको हम मिली कहते हैं। और असल जो चीज़ है ना भाई वो ये है, ये जो अगर मैं आपको ऐसे करके दिखाऊँ, ये निहारी टेस्टी चीज़ पे लोग आते हैं, आप जितना मर्जी उसको पुराना बता दें, जितना मर्जी कह दें कितने साल पुराना, अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे तो लोग नहीं आते, सीधी सी बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, सरदार ज़फर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए व्लॉग के साथ एक नई जगह पे। उम्मीद है आप मेरी यूट्यूब फैमिली सारी ठीक होगी, आपका भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। सीन पता है क्या है भाई, अंदरून भाटी गेट वाली साइड पे लोहारी गेट वाली साइड, ये यहाँ से जब आप आएंगे ना तो ये लोहारी गेट वाली साइड है। और ये हाफिज जी चलने वाला, अगर आपने पूरा मेरा एक व्लॉग नहीं देखा तो रात के 12 बजे रमज़ान में इस चौक पर जो एक्टिविटीज़ थी वो इनसेन थी, अलग किस्म की एक्टिविटीज़ थी। तो तब हम आए थे, होपफुली अगर आपने व्लॉग देखा तो हाफिज जी चनों के नाम से व्लॉग है, प्लीज़ जाके वो देखिएगा ताकि आपको मज़ा आ जाए कि रात के 12 बजे के बाद लाहौर क्या कहते हैं, अंदरून लाहौर खासकर। तो चलते हैं अब इस स्ट्रीट को एक्सप्लोर करते हैं और जो भी मज़े की चीज़ नज़र आई ना आपके भाई ने लपेट देनी। जी आज हम आए हुए हैं जी हाजी साहब की तरफ, हाजी साहब निहारी पे, ये उनके फ़र्ज़ंद बैठे भी हैं, वो कह रहे थे कि बहुत पुराने मैंने कुछ पूछा है थोड़ा सा, तो इनसे चल के बात करते हैं। होपफुली व्लॉग बड़ा ही हैवी होने वाला है, दो चीज़ें कवर करनी और दोनों ही याद रखिएगा, पार्टीशन और पार्टीशन से पहले, मतलब इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले के ये बिज़नेसेस हैं जो अभी तक अपने आप को सस्टेन करके रखे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब बिज़नेस अपने आप को सस्टेन करके रखता है, एक सेटअप पूरा प्रॉपर बना के रखता है, तो उसके लिए फिर उसका टेस्ट का होना बड़ा ज़रूरी है कि आप तभी चीज़ पे आते हैं, तभी चीज़ को खाते हैं जब आपको पता हो गया यार ये जो चीज़ मैं खा रहा हूँ ये ऑथेंटिक है, या मैं जहाँ जा रहा हूँ अपना टाइम लगा रहा हूँ वो चीज़ें एज इट इज़ हैं जैसे वो बताया गया। होपफुली व्लॉग अच्छा होने वाला है, एंड तक देख। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम शेख मोहम्मद इस्लाम। ये आपका सेटअप है माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले बताएं लोकेशन क्या है इस जगह? लोकेशन ये लाहौर के अंदर है, अंदरून लोहारी गेट के अंदर। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। और हाजी साहब निहारी वाले, हाजी साहब निहारी वाले, तो आपके वाले साहब जी? हाजी नाम तो चला मेरे दादा, क्योंकि मेरे दादा वहाँ से माइग्रेट होके आए थे देरी से। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वही? और ये हाँ जी हाँ वहीं की, 1947 से है यहाँ। बिल्कुल, हम सिर्फ निहारी बेचते हैं, बीफ निहारी। हाँ, यहाँ पर बीफ देते हैं, जो मेरी दूसरी ब्रांच है जेल रोड पे, वहाँ पर बीफ भी मिलती है, चिकन भी मिलती है, देसी चिकन मटन वहाँ, राइट? नहीं नहीं, 47 से जी हाँ। और उससे पहले वहाँ दिल्ली में होते थे। माशाल्लाह, ये है जी मगज़, माशाल्लाह और सारा कमाल इसका, ये बड़े का मगज़ है ना, ये गाय का मगज़ है। और ये आगे जी बोन मैरो, माशाल्लाह। और ये बोन मैरो जब आप यकीन माने, जब वो निहारी गरम गरम के अंदर ये बोन मैरो जाती है ना, तो वो नेक्स्ट लेवल ही होता है, आपको फील हो रहा होगा कि मेरे मुँह में पानी आ रहा है इसमें, आला हो गया माशाल्लाह। हाँ ये है मगज़, ये एक अगर मैं आपको, ये देखा है ये बकरे का मगज़ जो है ना, ये है माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त। तो ये इन्होंने पैकेट वगैरह ना छोटे छोटे बना के रखे हुए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मतलब पूरा एक मगज़ ही है, बकरे का मगज़ इतना सही होता है, कितना सा होगा। तो ये जो है भाई, ये टनों के हिसाब से जो आपको नज़र आ रहा है ना, मनों के हिसाब से वो बता रहे थे कि भाई ये वीकेंड पे तो वैसे ही अन्नवासीन होता है ना, ये इसमें से पका के निकालते हैं, इसमें और भी मजीद ये पड़ी हुई हैं बोंगे, ये आती हैं इसी तरह, ये देखें ये भी बोंग है, ये बोंग इसी तरह निकालते हैं, ये निकालते जाते हैं और गाग को देते जाते हैं। और ये है जी लाल बोटी, और ये अमूमन मिलती है, मतलब आप जब भी निहारी खाएंगे, हाफ खाएं या फुल खाएं, तो उसके साथ ये मिलेगी। और असल जो सीन है ना भाई, वो इसका है, ये जो आपको चीज़ नजर आ रही है, ये आगे जी क्या कहते हैं बोंग है। और ये बोंग अगर मैं आपको टेंडरनेस सिर्फ ऐसे हाथ लगा के दिखाऊँ, ये देखें आप हाथ लगा रहे हैं और बॉडी टूट रही है, तो ये इसलिए उन्होंने साइड रखी है। और ये साइज़ चेक करो भाई, मैं कहता हूँ क्या बात,
मतलब इतनी बॉन्ग जो है ना, वो जब हम मटन चने कवर करते हैं ना, आपने देखे होंगे, तो वो इतनी बड़ी नली, जैसे हम वो बाउसलिंग वालों पे गए थे तो हमने देखा, तो वो अच्छी खासी ना पूरी नली की साइज़ थी, तो ये तो बॉन्ग वैसे ये सिर्फ हड्डी नली निकली हुई है, पूरी बॉन्ग है, ये पूरी एक नली के बगैर आप समझ लो, हाँ इसको कुछ चीज़ नहीं इसमें से उतरी हुई, सिर्फ बॉन्ग बॉन्ग, ये सिर्फ बॉन्ग है, मतलब इसमें कोई चीज़ वैसे, और ये जो चीज़ है ना ये बड़ी मज़े की होती है, ये जो बड़ी नरम नरम है ना चिप चिप करके, तो सारा कमाल इसका, हाँ ये नशे, तो सारा कमाल इसी चीज़ का है माशाल्लाह। तो अब ऐसे करते हैं कि सारी पैकिंग शेकिंग करवाते हैं, अपना एक अच्छा खासा ना बाउच हॉल बनवाते हैं, और फिर उसके बाद ट्राई करते हैं, और फिर आपको बताते हैं कि सीन क्या, मतलब अच्छा खासा सेटअप है इनका, यहाँ ये सारी रोटी छोटी बन रही है, यहाँ ये सारा सेटअप है, और अंदर और ऊपर ऊपर भी है फैमिली, ऊपर भी है जगह, अच्छा 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 अच्छा, मतलब सही अच्छा खासा सेटअप है यार, मतलब आप इस तरफ से बैठे हैं उस तरफ जाएँ तो खुली वाफर जगह है, आप आ सकते हैं इजीली, आप बैठ के इसको इन्जॉय कर सकते हैं। ये लाल बोटी आ गई, ये इसका शोर था, ये हम आपको मगज डाल के दें, ये देसी घी का तड़का लगेगा, ये गरम मसाला, ये आ गए अब ये यहाँ पे उधर, ये हमारी बहुत, ये इसके अंदर तकरीबन चार मन एक माल, वो जो हमारी वो दे गए उसमें 7-8 मन माल होता है, मन के हिसाब से पकाते हैं, ये मनों के हिसाब से पकती है, ये संडे वाले दिन, यहाँ संडे वाले दिन 3 देगी होती है, 1-2 एक अंदर लगी हुई है, संडे वाले दिन तो यहाँ फुर्सत ही नहीं होती, हाँ जी रोटी आप नान इसका इसकी जोड़ नहीं है, हमारी जो खमीरी रोटी है उसकी खूबसूरती, उसका जायका सब कुछ अलग है, हाँ जी ऐसी रोटी नहीं आपको, ये अब घी फ्राई हो, देसी घी फ्राई, ये देसी घी से है, लाएंगे तो अंदर आएंगे, पहले पेपर का ही काम रहा खराब हो जाएगा, चौथी पीढ़ी, जी हाँ हमारी चौथी पीढ़ी काम कर रही है यहाँ पे, वो उसका एड्रेस वो सामने नजर आ रहा है, अच्छा भाई सारे जो पैसे हैं ना पता है वो किस चीज़ के हैं, वो इस चीज़ के हैं कि जो निहारी है वो बहुत ही आला खुशबू आ रही है उसकी, वो क्यों आ रही है कि वो ज़रा नीचे चेक करें, ये आ गई जी ऊपर साथ खमीरी रोटी, और ये आ गया साथ जी पूरी मेकिंग आपको दिखाई दी, और ये साथ में दो चीज़ें देते हैं, वो अदरक वगैरह कह रहे थे साथ में मिर्चें चीजें, मतलब जब तक आप ये नहीं डालेंगे ना समझ लें आप निहारी पूरी नहीं कर रहे, तो होपफुली ये वैसा ही होना है जैसे मतलब हमें लग रहा है कि अच्छी होगी, अच्छा सबसे पहले हम इस पर डालेंगे जी ये अदरक आ गई माशाल्लाह, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जिसके बगैर ना निहारी आपका भाई तो नहीं खाता, होपफुली आप भी नहीं खाते होंगे, ये आ गई ग्रीन चिली, और मोस्ट ज़बरदस्त और फेवरेट एलिमेंट वो आ गया जी, ये आ गया अंदीमो, ये सारी वो हैपनिंग है जो आपका भाई कवर कर रहा है, तकरीबन दोपहर का टाइम है यहाँ, और अच्छी खासी हैपनिंग हो रही है, मतलब वो मनों के हिसाब से बता रहे थे कि इतने मन हम बेचते हैं, तो मनों के हिसाब से आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे, बड़े बड़े डोल जो पड़े थे वो कितना एक हैवी सीन बन जाता है जाके, तो सही है जब यार इतना पुराना आप सेटअप एक चला रहे हो ना तो ये चीज़ें वाकई असर करती हैं, और लोगों को आप लोग आपकी इसी चीज़ गवाही देते हैं कि आप जो भी चीज़ बेच रहे हैं वो ऑथेंटिक है, और उसका टेस्ट बता भी देता है, टेस्टी चीज़ पे लोग आते हैं, आप जितना मर्ज़ी उसको पुराना बता दें जितना मर्ज़ी कह दें कि इतने साल पुराना, अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे तो लोग नहीं आते, सीधी सी बात है भाई, अब ये चेक करें, ये आ गई जी खमीरी रोटी माशाल्लाह, और आज आपका भाई ना फुल अन्य वहाँ किस्म का ना एक बुर्की बनाने वाला है, जिससे पहले हम सबसे पहले ना इसका ये अलग जो ग्रेवी शोरमा जो है जो बेसिकली निहारी है वो निहारी ट्राई करेंगे, और उसके बाद साथ मीट वगैरह गोश्त वगैरह देखेंगे, तो ये निहारी आ गई माशाल्लाह, माशाल्लाह बिल्कुल सादा सिंपल एक निहारी ली, अभी साथ मीट वगैरह गोश्त ऐड नहीं किया, बोन मैरो भी दिया उन्होंने, मगज़ भी दिया है और लाल बोटी भी है, लेकिन अभी हम सिंपल इसके साथ ना बिल्कुल निहारी ट्राई करें ताकि पता चले कि फ्लेवर किस चीज़ का आ रहा है, बिस्मिल्लाह खान, अच्छी है, शंटू लेवल नहीं है, पहले बता रहा हूँ, लेकिन अच्छी है,
खाने लायक है, बहुत ही क्रेजी सीन नहीं है, शंटू तरीन लेवल में नहीं। अच्छा एक और बाइट लेता हूँ, शायद मूड चेंज हो जाए हमारा। ये अब साथ ये आ गया गोश्त, ये देखें माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब जाकर हिट किया। अच्छा शंटू लेवल नहीं है, बहुत आला शंटू लेवल नहीं है, लेकिन टेस्ट वाइज अगर देखी जाए ना तो कंपेरिजन बहुत अच्छा बीट कर रही है। तो अब ये देखें, ये आ गया जी बोन मैरो, जिसको हम नली कहते हैं, और असल जो चीज़ है ना भाई वो ये है, ये जो अगर मैं आपको ऐसे करके दिखाऊँ, ये असल निहारी ना भाई इस चीज़ का नाम है, ये आप ऐसे करें और ये और आपकी बोटी ना ये अलग अलग हो जाए, असल निहारी इस चीज़ का नाम है। तो ये आपका भाई पहली बुर्की ले रहे हैं, सादा ना मीट ले रहे हैं, सादा गोश्त ले रहे हैं, इसमें लखनऊ में स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है मीट का, बहुत टेंडर है, आला किस्म का टेंडर है, शंटू तरीन किस्म का टेंडर है माशाल्लाह। अब ये जो मगज़ दिया था इन्होंने साथ, ये मगज़ ट्राई कर रहे हैं आपका भाई। ये हाजी साहब को ना बहुत अरसा हो गया मैं कवर करने की कोशिश कर, अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम डालेंगे ये नींबू, और ये आपका भाई खा रहा है अल्टीमेट बड़ी सी बुर्की, बिस्मिल्लाह। कुछ लुकमा बांधने वालों बाद जाके फील हो रहा है कि यार ये इतना वो नहीं है, कम्पीट कर रहा है औरों को माशाल्लाह। अच्छा मतलब शंटू तरीन लेवल नहीं है, लेकिन शंटू के करीब करीब है, थोड़ा सा थिन लाइन डिफरेंस है। होपफुली आपको सारी आपके भाई की एफर्ट अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में एक नई जगह पे आपका भाई सरदार के ऊपर हाजिर होगा। तब तक अपना अपने घर पर जो बीमार हैं उनका बहुत ख्याल रखिए। साहब के निहारी ने ना 10/10 कर दिया माशाल्लाह, बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त। जब भी आपने आना है आप इनको कह रहे हैं मैंने लाल बॉडी की थी, लेकिन वो लाल बॉडी ना इतनी साथ ऐसा चीज़ पर बैठी नहीं है, आपने इनको कहना है कि बोंग की बॉडी कर दिया। बोंग की जो बॉडी होती है ना वो इधर बड़ी ही नरम होती है और वो घुल जाती है बिल्कुल इसके अंदर। तो होपफुली ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा आपको, आप अपने लाइक से और कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। आपका भाई इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। फ़ी अमान।